हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी जन्माष्टमी। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बरसात के दिनों में हमें अपने प्लांट्स में क्या क्या, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, कौन सी खाद डालनी चाहिए जिससे प्लांट में फंगस ना लगे, और पत्तियाँ पीली क्यों होती हैं, ताकि वो क्योंकि पत्तियाँ पीली होकर गिरने लग जाती हैं बारिश की वजह से। तो बारिश के पानी में जितनी नाइट्रोजन हमारे प्लांट को मिलती है, प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत अच्छी होती है जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो जितना हमारे प्लांट को नाइट्रोजन देता है बारिश का पानी, उतना ही बारिश का पानी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी लेकर आता है। जैसे कि बारिश के पानी से, जब लगातार बारिश 10 से 15 दिन तक पड़ती रहती है, तो उससे क्या होता है, हमारे प्लांट्स में फंगस लगती है और पत्तियां पीली होकर गिरने लग जाती हैं, जड़ें ख़राब होने लग जाती हैं, चींटी बहुत सारी आने लग जाती हैं। तो ऐसे में हमें अपने प्लांट्स में करना क्या है, खाद कौन सी डालनी है। सबसे मेन बात होता है खाद कौन सी डालनी है, क्योंकि अगर हम कोई भी खाद डालते हैं बरसात के दिनों में तो उससे जड़ों में फंगस लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में हमें खाद कौन सी डालनी है, ये भी मेन रीज़न है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज आपको पूरा क्लियर करूँगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है आपके प्लांट्स के लिए, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको गार्डनिंग की ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमारा है वो है पानी की निकासी होना। तो देखिए, उसमें मतलब हमारे गमलों में इस तरीके से पानी रुक जाता है। अगर ऐसे पानी रुका रहेगा तो ये हमारे प्लांट्स की जड़ों को बिल्कुल ख़राब कर देगा और प्लांट धीरे धीरे नीचे की साइड से ख़त्म होता चला जाएगा। तो आपको एक करना क्या है, सबसे पहले गमलों के नीचे से सभी के ट्रे हटा दीजिए। दूसरी बात, मिट्टी आपको अच्छी बनानी है, बिल्कुल वेल ड्रेन, ताकि ये पानी ना रुके। और अगर फिर भी पानी रुक रहा है तो आपको करना क्या है, देख सबसे पहले काम तो आपको यही करना है, इस तरीके से होल कर दीजिए ताकि पानी बिल्कुल ना रुके प्लांट में। और पानी रुकेगा नहीं तो प्लांट जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा। दूसरी बात, आपको होल चेक कर लेना है। देखिए, हमने जैसे ही इसमें ये मतलब जगह जगह पर होल किए तो पानी नीचे की साइड जाने लग गया है और प्लांट में नहीं रुक रहा है। और दूसरी बात, आपको जो पॉट के नीचे होल होता है उसे भी आपको चेक कर लेना है, उसमें से कुछ रूट्स वगैरह उसमें कुछ जम तो नहीं गया है। अगर उसमें से भी पानी नहीं निकलेगा तो भी पानी यहाँ पर जम जाता है। अब बात करते हैं कि पत्तियाँ पीली क्यों होती हैं। पत्तियाँ पीली इसलिए होती हैं क्योंकि बरसात में पानी बहुत ज़्यादा आने की वजह से मतलब प्लांट को पोटास की कमी हो जाती है। तो पोटास की कमी की वजह से हमारे प्लांट में पत्तियाँ पीली होने लगती हैं और वो गिरने लग जाती हैं। गर्मी में ज़्यादा मतलब पानी ना देने की वजह से भी पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती हैं, गिरने लग जाती हैं, अगर आप पानी का ध्यान नहीं रखोगे गर्मी में। और ज़्यादा बरसात में भी पोटास की कमी से पत्तियाँ पीली होकर गिरने लग जाती हैं। तो उससे आपको करना क्या है, पोटेशियम आता है, लाल रंग का होता है पोटेशियम, तो आपको 1 लीटर पानी में 1/2 चम्मच घोल के रखना है और उसे अपने प्लांट में अच्छे से डाल देना है और स्प्रे भी कर देना है। तो उससे आपके प्लांट को पोटेशियम की कमी पूरी हो जाएगी और आपके प्लांट की पत्तियां पीली नहीं होंगी, नहीं गिरेंगी। अगर आप पोटेशियम मार्केट से नहीं लाना चाहते हैं, केमिकल होता है, तो उससे दूसरी मतलब आप एक काम और भी कर सकते हैं, केले के छिलके होते हैं, केले के छिलकों में बहुत पोटास होता है, आपके प्लांट में पोटेशियम की मात्रा भरपूर देगा। तो उसे आपको करना, यूज़ कैसे करना है, केले के छिलकों को सुखा कर उनका चूर्ण बना लीजिए और हफ्ते में 1 बार पानी में घोल के गमले में डाल दीजिए, उससे भी पोटेशियम की कमी पूरी होती है। अब बात करते हैं चींटियाँ आने की। तो चींटियों से हम अपने प्लांट को कैसे बचा सकते हैं, तो आपको करना क्या है, दालचीनी पाउडर लेना है। दालचीनी पाउडर से गमले में चींटी बिल्कुल भी नहीं रुकती है। तो देखिए, इस तरीके का दालचीनी पाउडर होता है, ऐसे दालचीनी पाउडर ले लीजिए 1-1 चुटकी और ऐसे गमले में डाल दीजिए।
ऐसे, तो इससे आपके गमले में देखना एक भी चींटी नहीं रुकेगी। दालचीनी पाउडर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, और बोरिक एसिड, देखिए बोरिक एसिड इस तरीके का होता है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं चींटियों के लिए। ये किसी भी मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाता है, तो इनसे चींटी बिल्कुल भी नहीं आएंगी और आपके प्लांट्स में ख़राब भी नहीं करेंगी, क्योंकि चींटियाँ प्लांट को नीचे से खाने लगती हैं, जड़ों को बिल्कुल ख़राब कर देती हैं जड़ें खाकर। तो ऐसे आप चींटी से भी बचा सकते हैं अपने घर पर ही रखे सामान से। अब बात करते हैं तो फ्रेंड्स, मैग्नीशियम की कमी से भी हमारे प्लांट्स की पत्तियां पीली पड़ती हैं। मैग्नीशियम की कमी के लिए आप कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है, उसे भी आप पानी में घोल के प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं, और उसकी जड़ों में भी आप उसे डाल सकते हैं, तो उससे आपके प्लांट की मैग्नीशियम की कमी पूरी होगी और पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी और बिल्कुल ख़राब आपके प्लांट नहीं होंगे। अब बात करते हैं आपको बरसात में खाद कौन सी डालनी है। बरसात के टाइम पर होता क्या है, ज़्यादातर जब हम खाद डालते हैं तो उसमें मिट्टी में फंगस लग जाती है किसी मतलब खाद से, तो आपको करना क्या है, ज़्यादातर तो आप अभी जैसे कि बहुत ज़्यादा बरसात है तो 10 से 15 दिन कोई खाद मत डालिए बिल्कुल भी। उसके बाद जब हमें लगेगा कि अभी मतलब बरसात कम हो गई है तब हम उसमें खाद डालेंगे, तब हम अब उसमें खाद कोई सी भी डाल सकते हैं। बहुत सारी खाद होती है, गोबर की खाद से फंगस नहीं लगती है, वर्मी कंपोस्ट से फंगस नहीं लगती है, और किचन वेस्ट से जो लिक्विड बनाते हैं उससे भी फंगस नहीं लगती है। तो अभी इस टाइम पर तो आप खाद मत डालिए, 10 से 15 दिन बाद हम अपने सभी प्लांट्स में खाद डालेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम पर तो बरसात ऐसे ही बहुत हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपने प्लांट को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट हमारे ऐसे होते हैं जिनमें फंगस बहुत जल्दी लगती है और बहुत ज़्यादा लगती है, जैसे कि हाइब्रिड विंकास हो गए और हाइब्रिड मोसरोज हो गए। तो देखिए हमारे यहाँ इतनी बारिश हो रही है, इनमें फंगस लग चुका है, ये बिल्कुल ख़राब हो गए हैं मोसरोज। और यहीं पर देखिए देसी मोसरोज रखा है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो फंगस से बचाने के लिए आपको क्या करना है, फंजीसाइड पाउडर लेना है, 1 लीटर में आधा चम्मच आपको घोलना है और प्लांट्स की जड़ों में डाल देना है। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी के कितने फ़ायदे हैं और कैसे यूज़ करनी है इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बरसात के टाइम पर आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट्स बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, पत्तियाँ पीली भी बिल्कुल नहीं पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।